गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ताबड़तोड़ दो एनकाउंटर किए। दोनों ही मामलों में पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश कराहते नजर आए। पहली मुठभेड़ कोतवाली सेक्टर 39 पुलिस और बदमाशों के बीच हुई, वहीं दूसरी मुठभेड़ में सेक्टर 58 थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सेक्टर 39 पुलिस और शातिर लुटेरे अतीक के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद सेक्टर 43 नोएडा से उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि बदमाश के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली NCR में भी अतीक लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसके पास से 3 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। इस बारे में ADCP सेंट्रल नोएडा ने विस्तार से जानकारी दी है कि थाना 39 क्षेत्र में शाम की जो रूटीन चेकिंग थी, कमिश्नर साहब के निर्देश पे सारे थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज अपने क्षेत्र में थे और संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सेक्टर 100 के पास एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वो पुलिस को देख के भागा। संदिग्ध समझ के इसका पीछा किया गया और सेक्टर 43 में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर आखिर से घेरा गया। पुलिस से घिरा देख के इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हुआ है। इसकी शिनाख्त लईक के नाम से हुई है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है और ये शातिर चेन लुटेरा और मोबाइल लुटेरा है। लगभग 1.5 दर्जन अभियोग इसके विरुद्ध ज्ञात हैं, जो दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में हैं। अन्य अभियोगों की भी जानकारी की जा रही है। इसके पास से 3 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अन्य साथियों की भी जानकारी की जा रही है। प्राथमिक उपचार के पश्चात इसको जेल के लिए भेजा जाएगा। दूसरी ओर सेक्टर 58 थाना पुलिस को मुठभेड़ के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में दीपक विहार खोड़ा कॉलोनी निवासी लुटेरा अंकित तिवारी घायल हो गया है। उसे गाजियाबाद के सेक्टर 62 स्थित छोटा डी पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से चोरी के 4 लैपटॉप, मोटरसाइकिल, तमंचा आदि बरामद किए गए हैं। बता दें कि आरोपी कोतवाली 58 पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया था। उस मुठभेड़ में अंकित के साथी लुटेरे नफीस और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनिए नोएडा ADCP सेंट्रल की जुबानी। 58 थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक व्यक्ति अंकित गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है, उपचार हेतु से भेजा गया है। कल इसके 2 साथी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे, जिसमें एक नफीस चौड़ा था, दूसरा अर्जुन था। ये तीसरा साथी था जो कल मौके फरार हो गया था और इसका नाम ज्ञात हुआ था। कल ही इसके लिए टीम लगा दी गई थी और इसकी अभी सूचना प्राप्त हुई कि ये जो चोरी के लैपटॉप हैं उनको लेके बेचने के लिए जा रहा है। पुलिस ने इसकी घेराबंदी की, पुलिस पर इसके द्वारा फायर किया गया, दवाई फायरिंग घायल हुआ ये। इसके पास से 4 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, 1 मोटरसाइकिल जो चोरी की है वो बरामद हुई है, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इससे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये लोग चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और गाड़ी का शीशा तोड़कर लैपटॉप चुराने का काम भी करते थे। अब तक ये 8 से 10 लैपटॉप ये स्वयं स्वीकार कर रहा है। इसका आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है और जो भी अन्य घटनाएं हैं इसे कनेक्ट करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।